हाँ तो यार कैसे, उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और देखो इस वीडियो में बात करने वाले एक नई मूवी के बारे में, जिसको फाइनली रिलीज कर दिया थिएटर में, जिसका नाम होने वाला है टक्कर, और इसी करेंगे रिव्यू पर इस इंट्रो के बाद। तो स्टार्ट कर लिया अगर इसकी कहानी से, कि स्टोरी क्या देखने को मिलती है। तो स्टोरी यार फोकस करती है एक ऐसे कैरेक्टर पे जिसको यार बहुत ज़्यादा अमीर बनना है, और उसी अमीर बनने के चक्कर में वो कुछ ऐसे कदम उठाता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ प्रॉब्लम में फंस जाती है। अब आगे चल के उसकी लाइफ किस तरीके से चेंज होगी और वो किन किन प्रॉब्लम का सामना करेगा, इन सब बातों को जानने के लिए आपको देखना हो मूवी को। पर हाँ, अगर आप ये बात सुन के देखने प्लान कर रहे हो, जन के बारे में सोच रहे हो, तो 2 मिनट पहले वीडियो में रुक जाओ, पहले सुन लो कहानी कैसा लगने वाली है, स्क्रीन प्ले कैसा है, बैकग्राउंड स्कोर कैसा है, पूरी की पूरी मूवी कैसी है। तो देखो यार, अगर मुझे कहानी के बारे में बोलना हो स्टार्टिंग में, तो देखो कहानी में बिल्कुल भी जान नहीं था। एक तो ऐसे पॉइंट को आपने पहले भी बहुत बार देख रखा है, साथ में जो जो प्रेजेंटिंग का तरीका है पूरे मूवी का, वो भी कुछ खास नहीं है, वो आपको बोर करेगा, बहुत ज़्यादा उबाऊ है, और मतलब पोर्शन वाइज कई जगह आपको थोड़ा बहुत हंसाने वाला है, बाकी और बाकी जगह तो भाई मूवी आपको बोर ही करती है। स्क्रीन प्ले में थोड़ा सा भी जान नहीं था, स्टोरी में थोड़ा सा जान नहीं था, और जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है वो उसको और ख़राब बना देता है। साथ में जो करेक्टर राइटिंग की गई है, मतलब यार हद है, किसी भी करेक्टर से आप करेक्ट नहीं करते हो, ना ही सिद्धार्थ से, ना ही अभिमन्यु सिंह से, ना योगी बाबू से, मतलब बहुत अच्छे अच्छे एक्टर थे इस पूरे मूवी में, पर आप किसी भी करेक्टर से करेक्ट नहीं करते हो लगभग यार, किसी से भी नहीं, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस पूरे मूवी के लिए। कि यार जब आप किसी करेक्टर से कनेक्ट ही नहीं करोगे तो मूवी को देखने में मज़ा आएगा ही नहीं, और ये चीज़ इसके साथ होता है। फिर अगर बात कर रहा हूँ इस पूरे मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, तो फर्स्ट हाफ तो तब भी ठीक था, टाइम कट जाएगा इतना कह सकते हो, पर जिस तरीके से सेकेंड हाफ को रखा गया, जिस तरीके से सेकेंड हाफ निकल के आता है, वो तो भाई बहुत ज़्यादा बकवास है। एक तो क्लाइमैक्स बहुत ज़्यादा घटिया, और साथ में मतलब उस बीच में जो चीज़ें चलती हैं आपको बहुत ज़्यादा बोर करने वाली हैं, बहुत ज़्यादा पकाने वाली हैं। और उससे कंपेयर करें फर्स्ट हाफ को तो लगभग ठीक था, क्योंकि वहाँ पर कुछ कॉमेडी के सीन थे जो आपको हंसाएंगे और थोड़ा सा टाइम पास कर देंगे। पर अगर दोनों को भी बोलना हो ना कंपेयर ना करके, तो दोनों ही यार एक तरीके से बोर करते हैं, दोनों ही ऑडियंस को पकाने वाले हैं, और दोनों में ही कुछ ऐसे एलिमेंट नहीं है जो आपको ज़्यादा सरप्राइज कर दे, देख के मजा आ जाए। मतलब पूरे स्क्रीन प्ले को अगर बोल रहा हूँ तो फीका पड़ा है यार, कहीं भी कुछ ऐसा चीज़ निकल के नहीं आता है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे, बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिर बात करना हो इसके मतलब VGM के बारे में, तो VGM यार डिसेंट है, प्रोडक्शन वैल्यू वाइज यार मूवी ठीक ठाक लगी, मतलब ओके बोल सकते हो, वहाँ कुछ ज़्यादा खराब देखने को नहीं मिला। पर अगर बोलना हो एक्टिंग के बारे में, तो ना सिद्धार्थ का काम अच्छा है, ना ही योगी बाबू का काम अच्छा है, और इनसे लग भी जो और एक्टर और एक्ट्रेस देखने को मिले, उन सब काम भी यार कुछ खास सही नहीं है। लगभग किसी ने भी अपनी एक्टिंग से तो आपको इम्प्रेस नहीं करेंगे, कोई भी नहीं, क्योंकि एक तो कैरेक्टर राइटिंग उनकी अच्छी नहीं थी, पर जिस तरीके परफॉर्म किया है वो भी यार अच्छा नहीं है, जो एक दिक्कत है इस पूरे मूवी के लिए और पूरे फिल्म के लिए, बस इतना ही कह सकते हैं, और क्या कहें, क्योंकि यार मूवी आपको कहीं किसी भी पॉइंट पे कनेक्ट नहीं करती है। देखो इसमें यार एक्शन भी था, सस्पेंस भी था, थ्रिल भी था, कॉमेडी भी थी, एक लव ट्रैक भी था, पर ये पांचों पॉइंट को जाके देखोगे ना, तो इन पांचों पॉइंट में ही थोड़ा सा भी जान नहीं है जो थोड़ा सा पसंद आ जाए आपको, कोई सा ही पॉइंट आपको ठीक से पसंद नहीं आएगा, जो एक बहुत बड़ी दिक्कत है इस पूरे मूवी के लिए। मतलब यार इतने सारे पॉइंट होने के बावजूद मूवी आपको पसंद नहीं आती है, मूवी आपको ठीक नहीं लगती है, जो एक प्रॉब्लम तो है भाई। तो ओवरऑल बोल रहा हूँ तो भाई मुझे मूवी पसंद नहीं आई, टाइम बर्बाद किया, कुछ भी खास नया देखने को नहीं मिला, कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला जिसके लिए देख के मतलब आप इम्प्रेस ही हो जाओ या कुछ अलग ही देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है पूरे मूवी के साथ में। तो फिर भी अगर आप देखना चाहते हो जाके देख सकते हो, मेरे हिसाब से ना जाओ तो ठीक है, और मुझे मूवी कुछ खास अच्छी नहीं लगी। बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, हम मिलेंगे एक नए वीडियो साथ में, एक नया रिव्यू और रिएक्शन के साथ में। और तब तक इस वीडियो को लाइक मार दो, चैनल पर नया सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर लेना, और जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो साथ में, एक नया रिव्यू और रिएक्शन साथ में।